Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are good and I'm also good. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा अमेजिंग फेस मास्क जो कि आपकी स्किन को इतना ग्लोइंग बना देगा, ब्राइटन अप बना देगा. तो आप समझ गए होंगे, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हमारे कुछ अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करते रहते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी लोगों के मिलियन मिलियन व्यूज़ आते हैं कि आप कोलगेट में लेमन मिक्स करके लगा लो एंड आप कोलगेट में क्लिनिक प्लस ऐड कर लो, कोलगेट में फैन लवली ऐड कर लो, इन सबको मिक्स करके अपने फेस पे आप लगा लो क्योंकि क्लिनिक प्लस का काम है आपके बालों को क्लीन करना. तो वो मत करें, आप उससे फेस मास्क लगाएं तो फेस गोरा हो जाएगा. जो टूथपेस्ट होता है उससे आप अपने दांत मत चमकाइए, आप उसको लेमन में ऐड करके अपने फेस पे लगाइए, रातों रात आपके फेस गोरापन आ जाएगा. तो वही आज हम चेक करने वाले हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं. तो आज मैं आपके साथ नया एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाली हूँ. तो उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही मैं बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए. तो यहाँ आपने काफ़ी पिक्चर्स तो देख ही लिए होंगे, तो उन्हीं में से आज एक मास्क हम ट्राई करने वाले हैं कि ये रियली में वर्क करता है या नहीं करता है. क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मैंने लेमन और कोलगेट को अपने मुंह पे नहीं लगाया था, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने अपने हाथ पे लगाया था और मेरे हाथ में एटलीस्ट 20 or 15 minutes तक थोड़ी सेंसेशन सी होने लगी थी एंड इचिंग हो रही थी एंड जलन हो रही थी. मेरे हाथ ने अपनी कुर्बानी दी थी, तो उसके लिए आपने उस वीडियो को काफ़ी प्यार भी दिया था. तो मैं आपको कहना चाहूँगी, तो ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार दिएगा क्योंकि आज भी यही हाथ कुर्बानी देने वाला है. तो वीडियो हम अपना करते हैं स्टार्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ हमें अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले एक बाउल चाहिए. मैंने एक ट्रांसपेरेंट एंड ये शीशे का बाउल ले लिया है. अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अपना ये क्लिनिक प्लस का, जो कि 1 रुपये में हमें क्लिनिक प्लस शैम्पू मिल जाता है, तो वो हमारा सर धोने के काम में नहीं आता है, जिससे हम खूब सारे DIY फेस मास्क बनाते हैं और अपने पुराने से पुराने दाग धब्बों को दूर कर लेते हैं. तो यहाँ पर अब हमारे पास ये है कोलगेट. अब मैं इसमें क्लिनिक प्लस में ऐड करूँगी कोलगेट. तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पेस्ट ऐड कर के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स वेल करेंगे. और मिक्स वेल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं DIY जो होती हैं वीडियोस उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट जो ये ऐसे ऊल जलूल टाइप्स के मास्क होते हैं, नुस्खे होते हैं, वो सब मैं ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि वर्क करते हैं या नहीं करते हैं. लाइक पुराने से पुराने नुस्खे जो लाइक दही आप लगा लो, एलोवेरा जेल लगा लो एंड क्या बोलते हैं उसको, बेसन लगा लो, चावल का आटा लगा लो एंड दाल होती है वो मसूर की दाल जो होती है आप उसका फेस मास्क बना लो, चने की दाल का फेस मास्क बना लो, हनी लगा लो, ये लगाने वाली चीज़ें लगाओ ना. ये क्या कि जो दांत साफ करने वाला है आप उसे फेस पे लगा लो एंड उसमें लेमन मिला लो, कुछ भी मिला लो, ऐसे नहीं होना चाहिए. आप देखो मैंने इसे मिक्स कर लिया है तो ये कुछ टीके का हो गया है. तो अब आप खुद बताओ, आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करना चाहोगे, इस पे लगाने का रिस्क लोगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी. आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ऐसा रिस्क ले सकते हैं या नहीं. तो अगेन हमारा हाथ आज यही इसकी कुर्बानी देना चाहेगा. आपको टेस्ट करने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा एंड ये अभी से कुछ इतना चिपचिपा टाइप का हो रहा है. तो यहाँ पर अब मैं इसे लेती हूँ एंड अपने हाथ पे मैं अप्लाई करती हूँ. तो यहाँ पर इसे हमने अपने हाथ पे लगा लिया है एंड काफ़ी अच्छे झाग हो रहे हैं क्योंकि शैम्पू इसमें एडेड है. तो यहाँ अच्छे से इसे आपको अपने हाथ पे रब करना है एंड कुछ टाइम के लिए छोड़ना है और उसके बाद अपना हैंड को आपको वॉश कर लेना है. उसके बाद आप देखिएगा कि आपका हाथ एकदम हीरे जैसा चमक जाएगा. तो यहाँ ये लग चुका है एंड मैं थोड़ा सा इसे वेट करूँगी और उसके बाद इसे वॉश करूँगी. तो यहाँ मैंने अपना हैंड वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हो हैंड वॉश हो चुका है. और हैंड वॉश करने के बाद
आप मेरा हाथ देख सकते हो, कितना हीरे जैसा चमक उठा है मेरे हाथ में, कितना गोरा हो चुका है मेरा हाथ। हर बार इस पे कुछ ना कुछ लगता है, लेकिन फिर ये अपने वाले कलर पे आ जाता है। तो ऐसा फियरनेस कुछ नहीं होता है, आपकी स्किन किसी भी चीज़ से आपकी स्किन लाइट नहीं हो सकती है। जस्ट आप इसके अपनी स्किन पे अगर कुछ ना कुछ लगाते रहोगे एंड अपनी स्किन का ध्यान रखोगे, अपनी स्किन का ख्याल रखोगे, तो आपकी स्किन खुद ब खुद डे बाय डे ब्यूटीफुल हो जाएगी, फेयर नहीं होगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी, फ्लॉलेस हो जाएगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, बाय एवरीवन।